कस्बा अनूप शहर में गंगा घाटों पर आम आदमी पार्टी के नगर अध्यक्ष सोनू कुमार के नेतृत्व में तिरंगा शाखा के माध्यम से सफाई अभियान चलाया गया। जिलाध्यक्ष शैलेंद्र लोधी ने कहा, आज हम लोग गंगा घाट पर उपस्थित हुए। तिरंगा शाखा का आयोजन पूरे हिंदुस्तान में आम आदमी पार्टी की तरफ से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जन जागरण अभियान पूरे देश में चल रहा है और स्वच्छ सरोवर योजना के तहत हम संदेश देना चाहते हैं, जो हमारी गंगा नदी है, इसके अलावा जो समाज में ज्ञात बुरी है, जो गंदगी का अंबार ढेर लगा हुआ है, उसकी सफाई करने के लिए हम एकत्रित हुए, गंगा नदी की सफाई करेंगे, ये संदेश भी देना चाहेंगे। जो हमारी पवित्र गंगा है, इतनी गंदी हो चुकी है, सरकार की तरफ से जो योजना चलाई जा रही है, उस योजना को कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा। हम लोग जागरण के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं, इसके लिए हर एक व्यक्ति को आगे निकल कर इसमें सहयोग करना चाहिए। पार्टी की तरफ से स्वच्छ सरोवर योजना के तहत आज हम लोग यहाँ गंगा घाट पर उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर तिरंगा शाखा का आयोजन किया है। तिरंगा शाखा के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि तिरंगा शाखा पूरे हिंदुस्तान में आम आदमी पार्टी की तरफ से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हम एक जन जागरण अभियान पूरे देश में चला रहे हैं। और दूसरा ये है कि स्वच्छ सरोवर जो योजना है, उसके तहत हम संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारी गंगा नदी है और इसके अलावा जो समाज में व्याप्त बुराई हैं और इसके अलावा जो गंदगी का अंबार ढेर लगा हुआ है, उसको सफाई करने के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस प्रोग्राम के बाद हम लोग गंगा नदी की सफाई करेंगे और ये संदेश भी देना चाहेंगे कि ये जो हमारी पवित्र गंगा है और ये इतनी गंदी हो गई है, इसको जो सरकार की तरफ से भी जो योजना चलाई जा रही है, उस योजना का भी कोई फायदा नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग जागरण के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि इसके लिए हर एक व्यक्ति को आगे निकलकर इसमें सहयोग करना चाहिए, जब ये गंगा साफ हो पाएगी। मौजूदा जो सरकार है, वह बड़े बड़े दावे करती है सफाई अभियान को लेकर, लेकिन गंगा जी में मैं देखता हूँ कभी भी सफाई नहीं हो पाती है। देखिए, आम आदमी पार्टी की तिरंगा शाखा पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में काम करना शुरू कर रही है और उसका उद्देश्य यही है कि हम लोग बजाय आरएसएस की जो शाखाएं दंड पेल के और बंद उसके झंडे के सामने नमस्कार करके समाप्त हो जाती है, उसके इतर हम लोग लोगों की समस्याओं को उठाएं, उनके बारे में चर्चा करें और जो छदम राष्ट्रवाद है उसको पब्लिक के सामने एक्सपोज करें। आज आपने देखा, हमने महात्मा गांधी जी के चित्र के नीचे इस कार्यक्रम को शुरू किया है और हम हर तिरंगा शाखा में किसी महापुरुष के बारे में लोगों से चर्चा करेंगे, उनकी बातचीत करेंगे और जो उनके बारे में भ्रांतियां लोग फैला रहे हैं, जो गौड़से की गौड़से को स्थापित करना चाहते हैं, उनके खिलाफ महात्मा गांधी का जो कार्य है देश के प्रति, उसको लोगों को बताने के लिए, संविधान को जो तोड़ने वाले हैं उनको अम्बेडकर की संविधान के बारे में बताने के लिए, राजगुरु भगत सिंह की जो कुर्बानी है उनके बारे में तरह तरह की भ्रांतियाँ फैलाने वालों के लिए, जनता तक उनके कुर्बानी को, आज़ादी के दीवानों ने जो हमारे लिए काम किया है उनको ले जाने का हम काम कर रहे हैं। अभी आपने कहा गंगा की सफाई अभियान, करोड़ों करोड़ रुपए इस पर बर्बाद हो चुका है, उसके बावजूद भी सरकार इसमें बिल्कुल फेल है। कारण क्या है कि जो नीति है और नीयत है, उस दोनों में बहुत फर्क है। आपने शुरुआत में देखा होगा, जिस